और डोकलाम पर चल रही तनातनी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा का, जो इस वक्त न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल अमांद्रा, चीन को मिर्ची लगी है, जिस बात का अंदेशा भी था। चीन थोड़ा चिढ़ गया है, जिस तरह से जापान ने समर्थन किया खुले तौर पर भारत का, उसको लेकर चीन भड़का है। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बकायदा बयान जारी करके कहा गया है कि जिस तरह का विवाद हो रहा है उसका जिम्मेदार भारत है, ना कि चीन। ये भी कहा गया कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे जापान, और अगर इस तरह का कोई भी बयान देना है तो उससे पहले तथ्यों को सही तरीके से पढ़ ले, जांच ले। आपको बता दें सख्त भाषा का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। इसमें कहा है कि आई वॉन्ट टू वॉर्न हिम, यानी कि चेतावनी दे रहा है चीन जापान को कि इस तरह का बयान, लापरवाह बेपरवाह बयान ना दे। क्या बयान है देखिए, जापान कोई भी बयान जारी करने से पहले तथ्यों की जानकारी हासिल कर ले। यह हमारी जापान को चेतावनी है कि वो बिना सोचे समझे बयान जारी ना करे। इस विवाद के पीछे की वजह भारत है, ना कि चीन। भारत ने अवैध तरीके से सीमा पार करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ है। और आगे ये लिखा गया कि अगर इसी तरह से सार्वजनिक तौर पर सपोर्ट किया गया तो फिर चीन भी चुप नहीं बैठेगा, तथ्यों के साथ जवाब देगा। अमांद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि डोकलाम विवाद पर भारत को पहले जापान का जो समर्थन मिला उससे चीन को साफ तौर पर मिर्ची लग गई है। पूर्व राजनयिक विवेक काटजू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक काटजू साहब। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि बिना तथ्यों की जानकारी के लिए के जापान डोकलाम पर कोई बयान ना जारी करे, इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है। देखिए, राजनयिक रूप से ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि चीन का विदेश मंत्रालय यही बयान देगा, क्योंकि जापान और चीन के बीच के रिश्ते तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और जब जापान के राजदूत जो भारत में है उन्होंने कहा कि कोई किसी भी देश को, और उनका इशारा चीन की तरफ था, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए विवादित एरिया में जिससे मामले बिगड़े, तो फिर चीन ये कहता ही। हमें इसमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ये राजनयिक खेल चलता रहेगा। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जापान खुल के अब भारत की तरफ आ गया है, और वो कह रहा है चीन से, चीन को बता रहा है कि चीन को मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारी राजनयिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। जी, तो काजू साहब आप ये कह रहे हैं कि जापान का समर्थन हमारे लिए राजनयिक रूप से बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है उसे हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक काजू साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि डोकलाम विवाद पर चीन लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है, भारत के साथ एक बड़ी शक्ति जापान भारत के समर्थन में खड़ी हुई है, और चीन को साफ तौर पर इससे मिर्ची लग गई है। डोकलाम के बहाने चीन दुनिया को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन युद्ध से पहले कूटनीति के मोर्चे पर चीन की बड़ी हार हुई है। महाशक्तिशाली देश जापान खुलकर भारत के साथ आ गया है। जापान ने कहा है कि डोकलाम में भारतीय सेना की मौजूदगी एकदम सही है। जापान का यह बयान तब आया जब उसके प्रधानमंत्री शिंजो आबे अगले ही महीने भारत यात्रा पर आने वाले हैं। अमेरिका पहले से ही भारत के साथ खड़ा है। चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत से टकराना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।